अरे यार दोस्तों, यहाँ पे चैलेंज चालू होने वाला है। देखो सारे के सारे हल्क्स भी आ गए हैं और टाइटन और बाकी सब लोग भी रेडी है। लेकिन यार पता नहीं ये फ्रैंकलिन भैया कहाँ रह गए। उनको मैंने बोला था कि सुबह उठ के आ जाना, लेकिन लगता है वो अभी तक सो ही रहे हैं। लगता है मुझे ही उन्हें जाके लेके आना पड़ेगा। ये तो देखो गाइज, यहाँ पे कितना सारा पैसा और सोना लेके आया है। यहाँ पे टीवी मैन और स्पीकर मैन ने और टाइटन लोग ने ये चैलेंज को बनाया है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैलेंज होने वाला है। आज तो ये सारे के सारे हल्क यहाँ पे अपनी गाड़ियों को रैंप पे कूदाएंगे, और जिसकी गाड़ी सबसे ज्यादा शक्तिशाली और जो हल्क सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा उसी को टाइटन आज अपनी पावर्स देंगे। आपने सही सुना, आज ये ऑल फादर गॉड्स और ये 300 टाइटन अपनी पावर्स देने वाले हैं। जो भी ये चैलेंज जीतेगा बड़ा मजा आने वाला। देखते हैं कौन सा हल्क जीतेगा। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ पिंक हल्क जीते, मेरा फेवरेट कलर भी पिंक है ना। ओए तोड़ दूंगा, ओए फोड़ दूंगा, ओए सिंचन, ओए तेरा कलर पिंक क्यों है? ओए तू लड़की है क्या? ओए अरे नहीं नहीं यार थार, मैं लड़की नहीं हूँ, बस मुझे ऐसे ही पिंक कलर पसंद है, समझे। ओए बल्ले बल्ले, ओए सिंचन पिंक कलर नहीं, ओए ब्लू कलर फेवरेट होना चाहिए लड़कों का। ओए तू तो पक्का लड़की हो। ओए अरे नहीं नहीं थार, मैं कोई लड़की वड़की नहीं हूँ, समझे। अगर मुझे ज्यादा बोलेंगे तो मैं टाइटन को बोल के तुम्हें कीड़ा बनवा दूंगा, समझे ना। अभी चलो हटो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया को लेने। इससे पहले कि चैलेंज चालू है मैं फटाफट फ्रैंकलिन भैया को लेके आता हूँ। इंतजार करना थोड़ी देर। बस मैं यूं गया और यूं लेके आया फ्रैंकलिन भैया को। फ्रैंकलिन भैया मैं आ रहा हूँ। अरे ये क्या, मेरी गाड़ी नीचे जा रही है। अरे यार मेरे को थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। ओके लेट्स गो, यहाँ पे जंप। और ये देखो मैं लैंड कर दिया सीधा घर पे। कितनी मस्त मैंने जंप मारी वहाँ रैंप से सीधा यहाँ पे। चलो फटाफट जाके फ्रैंकलिन भैया को जगाता हूँ। यार ये कितने बड़े आलसी है, हमेशा सोते रह जाते हैं। आज इतना बड़ा चैलेंज है और इनको नींद सूझ रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे यार ये क्या, फ्रैंकलिन भैया तो बेड पे है ही नहीं, कहाँ चले गए ये। अरे यार अब मैं कहाँ ढूंढूँ इन्हें। अरे ये देखो मैं आज मिरर में कितना ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा हूँ। मेरे जैसे स्मार्ट कोई है क्या पूरे लॉस सेंटर्स में? कोई भी नहीं है। दोस्तों इसी बात पे फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सिंचन जैसे स्मार्ट और हैंडसम कोई नहीं है। तो फटाफट नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और यार पहले मैं फ्रैंकलिन भैया को ढूंढता हूँ, कहाँ पे चले गए ये। स्विमिंग पूल में भी नहीं है, एक तरह ये नहाते भी नहीं है, गंदे कहीं के महीने भर से पता नहीं कब से नहाए नहीं है। और ये क्या, अरे ये रहे, अरे तो चॉप के घर में सो रहे। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या कर रहे हो, अरे अपना घर छोड़ के चॉप के घर में क्यों सो रहे हो? अबे यार सिंचन क्या यार, तेरे को सुबह सुबह नींद खराब कर दिया, इतना मस्त सो रहा था, आज तो संडे, थोड़ी देर तो सोने दे। अरे क्या सोने दे, उधर चैलेंज चालू होने वाला है, सारे के सारे टाइटन रेडी है और हल्क्स भी रेडी है, और आप यहाँ पे सो रहे हो। अबे सिंजन क्या बोल रहा, कौन सा चैलेंज? अच्छा हाँ हाँ, अरे याद आया, अबे भाई साहब वो चैलेंज इतनी जल्दी चालू होने वाला है क्या? अरे हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था, पर आप लगता है मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, पबजी खेलते रहते पूरे दिन, पता नहीं क्या सुनते हो। अरे अरे सॉरी सिंजन यार, मैं भूल गया था उस चैलेंज के बारे में यार, प्लीज प्लीज अब चल यार फटाफट उस चैलेंज में चलते हैं। अरे हाँ हाँ जल्दी चलो, वरना वो चैलेंज चालू ही होने वाला है। मैंने थॉर और वैनम को बोला कि थोड़ी देर होल्ड करना है। हाँ बहुत बढ़िया सिंचन। अबे पर सिंचन तू आया कहाँ से? भाई साहब मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे फ्रैंकली भी आपकी गाड़ी तो छत के ऊपर मैंने लैंड की है। अबे छत के ऊपर लैंड की है? अबे छत के ऊपर क्यों लैंड कराया तूने? अरे अब मैं उड़ के आऊंगा तो छत के ऊपर ही लैंड करूंगा ना, देखो वो रही ऊपर। अबे सिंचन के बच्चे तूने तो सच्ची में यार गाड़ी को छत पे लैंड करा दिया, और मेरे हीरे की गाड़ी की पता नहीं भाई साहब कैसे वाट लगा है। नहीं नहीं वैसे कुछ आया तो नहीं, स्क्रैच स्क्रैच भी नहीं है। चल यार ठीक ही है, भाई साहब इस इंजन को गाड़ी देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने कितने मस्त से चला के लेके आया यार, कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी को। और रुको आप पहले ये तो बताओ यार, आप चौप के घर में क्यों सो रहे थे? अबे बताता हूँ यार, मेरी गाड़ी टेढ़ी हो गई तेरे इसके चक्कर में, और कांच भी टूट गए। चल पहले फटाफट गाड़ी में बैठ, उस चैलेंज पे जाते हैं, और तेरे को रास्ते में बताता हूँ कि भाई मैं चॉप के घर में क्यों सो रहा था। वो क्या हुआ था ना कि रात को मैं और चॉप पार्टी कर रहे थे, और भाई साहब चॉप ने यार मेरे बेड पे जाके सू सू कर दिया, तो पूरा बेड खराब हो गया। तो भाई साहब मैं चॉप के घर में जाके सो गया। मैं बोला चॉप अब तू भाई देख ले तू कहाँ सोएगा, मैं तो तेरे घर में ही सो रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया आप भी कमाल करते हो यार, चॉप के घर में ही सो गए, तो फिर चॉप कहाँ पे सोया था जाके? अरे वो तो यार शर्मा जी के घर पे जाके सोया था, अभी भी शायद उधर ही होगा, छोड़ उसको सोने दे। वैसे भी वो चैलेंज में आएगा तो भाई साहब वहाँ पे बहुत ज्यादा टट्टी करेगा और भाव भाव करते रहेगा, उसको छोड़। चल फटाफट पहले अपन चैलेंज में जाते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो, वो टाइटन्स इंतजार कर रहे हैं, अगर टाइटन्स गुस्सा हो गए तो भाई साहब हमें ही ना पकड़ के पीट दे। और आज तो बहुत सारी पावर्स भी देखने मिलेगी और बहुत सारा सोना और पैसा भी।
ओके सर, यहाँ पे हम लोग चैलेंज में पहुंच चुके। और भाई सिंचन, तू तो सच में बोल रहा था यार, यहाँ पे सही में टाइटंस आ चुके और साथ में ये क्या चूचू चार्ल्स भी आए। अरे मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? अरे कल हुए आए, और तूने कुछ भी नहीं मिस किया, और डस लूंगा, और मैंने सबको रोक के रखा था। अरे थैंक यू वैनम यार, तूने चल कुछ तो यार जिंदगी में अच्छा काम किया। ओए बल्ले बल्ले, और ये वैनम ने कुछ नहीं किया, और मैंने इन्हें रोक के रखा था। अरे हाँ भाई साहब, तुम दोनों ने रोक के रखा था, चल ठीक है। और गाइस ये तो देखो, यहाँ पे स्पीकर मैन और टीवी मैन भी आए। अच्छा ये लोग नहीं लगता है सारा का सारा पैसा वगैरह लाया है यहाँ पे चैलेंज के लिए। और चूचू चार्ल्स भी आए, कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे ये लोग शायद पैसा देने वाले हैं, और जो टाइटंस है ये अपनी पावर्स देने वाले विनर को। तो गाइस देखते हैं आज कौन जीतेगा। आज तो बहुत मजा आने वाला, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे हल्क का मुकाबला होने वाला है। और ये क्या, यहाँ पे ब्लैक हल्क भी आया है काली दुनिया से। ओ माय गॉड, आज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन होने वाला है। और यहाँ पे ये देखो सींग वाला हल्क भी है, और यहाँ पे अपने हल्क दद्दू भी है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। ये तो देखने वाली बात होगी आज इनमें से किसकी गाड़ी चैलेंज को पार करेगी और कौन जाके गटर में गिरेगा। अरे तो फ्रैंकली भैया, चलो फटाफट चैलेंज को स्टार्ट कराओ। हाँ सिंचन, तो चल भाई साहब फटाफट चैलेंज को स्टार्ट कराते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक हल्क यहाँ पे सबसे पहले खड़ा है, तो चल भाई ब्लैक हल्क फटाफट तू यहाँ पे रैम को स्टार्ट कर। ब्लैक हल्क सबसे ज्यादा शक्तिशाली, काली दुनिया से आया हूँ, आज सबका मुंह काला कर दूंगा, क्योंकि आज का चैलेंज तो ब्लैक हल्क ही जीतेगा। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं, आज तो मैं ये वाले टैंक को लेके जाऊंगा, मेरी तरह काली टैंक, और इस चैलेंज को एकदम काले तरीके से पार करके दिखाऊंगा। अबे भाई साहब, ये ब्लैक हल्क पता नहीं क्या बोल रहा है। और सिंचन ये तो देख, ब्लैक हल्क के टैंक से भाई साहब काली शक्तियां निकल रही है। ओ भाई साहब, यहाँ पे ब्लैक हल्क यार ऑलरेडी अपनी शक्तियां यूज कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे इसके टैंक से कितनी मस्त पावर निकल रही है, पूरी काली काली। और फिर भी इसको यार ऑल फादर गॉड की पावर्स चाहिए, मतलब टाइटंस की पावर्स चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है टाइटंस की पावर कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। तो ब्लैक हल्क की पावर और टाइटन की पावर मिल गई तो क्या यार, ये लोग दुनिया में तहलका मचा देंगे। जो भी हो, यहाँ पे ब्लैक हल्क तो रैम पे आ चुका है और अपने टैंक को लेकर सीधा रैम की तरफ निकल गया, और देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्पीड में नीचे की तरफ। और यहाँ पे देखते हैं ये तगड़ा वाला जंप लगा पाता है कि नहीं। लेट्स गो, यहाँ पे 123 की स्पीड पहुंच चुकी है इसकी टैंक, और 150 की भी पार कर दी थी, लेकिन यहाँ पे इसकी टैंक ने काफी ज्यादा मस्त जंप की। और यहाँ पे गाइस एक ट्विस्ट है, ये जो रैंप है इसके ऊपर पूरा का पूरा बर्फ का लेयर लगाया गया। यस गाइस, आइस टाइटन ने इसके ऊपर बर्फ की लेयरिंग लगाई है, ताकि ये चैलेंज और भी ज्यादा हार्ड हो जाए, क्योंकि आइस टाइटन नहीं चाहता कि कोई भी इस चैलेंज को आसानी से जीते और किसी गलत आदमी के हाथ में पावर चली जाए। और ये क्या, यहाँ पे आइस टाइटन का तो बर्फ काम आया, इसकी टैंक पूरी फिसल गई और यहाँ पे नीचे गिर गई। यार यहाँ पे ब्लैक हल्क का तो भाई टैंक पूरा का पूरा कोने में जाके गिर गया, शिट। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक हल्क अपनी पूरी की पूरी पावर्स लगा रहे, पर यार कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी टैंक यार एकदम कोने में जाके अटक गई। और यहाँ पे तो यार ब्लैक हल्क ने अपना ही मुंह काला करवा लिया, ये तो दूसरों का मुंह काला करने आया था। यहाँ पे ब्लैक हल्क एलिमिनेटेड। हाँ सिंचन, यहाँ पे ब्लैक हल्क तो एलिमिनेट हो गया, और अभी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है यहाँ पे रेड हल्क। ओ भाई, यहाँ पे यार रेड हल्क तो दबंग वाला चश्मा लेके आया है, और काफी ज्यादा मस्त दिख रहा है ये वाला। और ये क्या, इसने तो बस ले लिया। अरे हाँ फ्रैंकली भाई, इसने बस तो ला दिया, पर ये तो देखो यहाँ पे रेड हल्क के बस से कितना मस्त पटाखे फूट रहे। लगता है ये चाहता है कि चैलेंज जीते तो यार एकदम ठाट से जीते। अबे सिंचन, इसने पहले ही पटाखे तो फोड़ दिए, लेकिन चैलेंज भी तो जीतना चाहिए भाई। ये चैलेंज इतना ज्यादा आसान नहीं है, जो यहाँ पे रेड हल्क यार पहले से पटाखे फोड़ रहा है। चलो देखते हैं ये जीत पाता है कि नहीं। और यहाँ पे फुल स्पीड में नीचे की तरफ आ रहा है, और अपनी बस को रैम पे ले जा रहा है, और इसकी बस्तर टैंक से भी काफी ज्यादा स्पीड हो चुकी है यहाँ पे 200 के पार स्पीड। लेकिन यहाँ पे इसकी जंप उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने लैंडिंग कर दी। और यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ अपना कमाल दिखाना चालू कर दिया है, बर्फ की वजह से बस इधर उधर फिसल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, रेड हल्क ने काफी ज्यादा अच्छे से इसको काबू किया। और यहाँ पे आगे आगे रैम की तरफ बढ़ते हुए, और ये क्या, इसकी बस तो पलट गई। अरे पलट के सीधा नीचे की तरफ गिर गई, लेकिन कोई बात नहीं, रैम पे ही गिरी है, अभी भी इसके पास मौका है अगर रेड हल्क इसको संभाल पाए तो। अबे सिंचन, वही तो देखने वाली बात है कि इसको संभाल पाता है कि नहीं। यहाँ पे इतनी बड़ी बस जो लेके आया गया है रेड हल्क, अबे यार कोई छोटी मोटी गाड़ी लेके आता, पूरी इतनी बड़ी बस ही लेके आ गई। ओके लेट्स गो, यहाँ पे एकदम मस्त इसने संभाला है, यहाँ पे बर्फ की वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे रेड हल्क ने मस्त इसको संभाल के बस को कुदा दिया। ओ भाई साहब क्या मस्त कुदा है, लेकिन क्या लैंड कर पाएगी? अरे यार शिट, यहाँ पे बस यार अपने पीठ के बल गिरी और नीचे आ गई, और यहाँ पे रेड हल्क भाई साहब ये भी एलिमिनेटेड। और देखो यार कहाँ जाके गिरा है। ओ भाई, यहाँ पे इसके पटाखे तो यार फूटते ही जा रहे हैं।
अब ये रेडल कभी भी पटाखे नहीं फोड़ेगा, अपने शादी में भी पटाखे नहीं फोड़ेगा। इतना बेकार जो हारा है ये। वो तो है सिंचन, और यहाँ पे हमारे चैलेंज में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आ चुके हैं पिंक हल्क। हो भाई साहब, ये तो पूरा गुलाबी गुलाबी हल्क है, और देखते हैं ये कौन सा गाड़ी चूज करते हैं। अरे मुझे तो लगता है ये डीजे वाली गाड़ी चूज करेंगे। अबे पर यार, यहाँ पे चैलेंज में डीजे वाली गाड़ी क्या काम कर रही है भाई साहब, डीजे कौन बजाएगा। और यहाँ पे पिंक हल्क ने तो भाई साहब पिंक कलर की गाड़ी चूज की अपने जैसी, और ये क्या, इसकी गाड़ी में से तो भाई साहब आग निकलता है। ओहो, क्या आग निकल रहा है यार, एकदम खतरनाक वाला। यहाँ पे पिंक हल्क यार कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, और ये क्या, इसने तो यार वेनम और थॉर को ही उड़ा दिया भाई साहब। अब यार इनसे क्या दुश्मनी थी इसकी। पिंक हल्क नाम सुन के तुम लोग फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है पोर। अबे यार सिंचन, यहाँ पे पिंक हल्क ने क्या डायलॉग मार के गया यार पुष्पा वाला, कि भाई साहब पिंक हल्क यार पिंक फ्लावर नहीं फायर है। और ये तो देख, फायर निकाल के चैलेंज पे आगे बढ़ चुका है, और क्या धमाकेदार एंट्री की है। ओ भाई साहब, क्या मस्त कर रहा है यहाँ पे, और ये तो बर्फ को पिघलाते हुए जा रहा है। ओ भाई, यहाँ पे इसकी गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा काम आ रही है चैलेंज में। यहाँ पे ये तो लगता है ये राह से भटक गया। अबे नहीं नहीं सिंचन, कहाँ राह से भटक गया, ये तो एकदम सही जा रहा है और आग लगाते हुए जा रहा है। ओ भाई साहब, मेरे को तो लगता है चैलेंज जीतने वाला है, क्योंकि देख थोड़ा सा ही बाकी है। यहाँ पे बर्फ भी इसके सामने कुछ भी काम नहीं आ रही, बस इसको थोड़ा सा संभालना होगा गाड़ी को। अरे यार ये क्या, ये गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा, और शिट। अबे यार पिंक हल्क, ये क्या कर दिया तूने। अरे फ्रेंडली भाई, ये तो चैलेंज जीतने ही वाला था, पर लगता है इसने आग को चलाने में ज्यादा ध्यान दिया, और इसकी से इसका कंट्रोल नहीं बैठा, और लेफ्ट में जाके गिर गया। यहाँ पे पिंक हल्क भी एलिमिनेटेड। चल यार, पिंक हल्क से नहीं हुआ, अब देखते हैं हमारे ये गोल्डन हल्क से होता है कि नहीं। ये भाई साहब पूरा सोने का हल्क है, इससे तो हो ही जाना चाहिए। अरे हाँ हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है, पर यार ये कौन सी वाली गाड़ी लेंगे। अरे ये क्या, ये तो पीली वाली गाड़ी ले रहे हैं, इतनी बड़ी वाली ट्रक जिसके अंदर यार सब इतना सारा मिट्टी लेके जाते हैं, वो वाली ट्रक ले लिया इसने तो। अबे हाँ हाँ, इसने वो ले लिया, पर यार मेरे को समझ नहीं आता ये हल्क के बच्चे यार इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों लेके आते हैं। और यहाँ पे ये देखो भाई साहब, ये तो लगता है किसी कंस्ट्रक्शन साइट से उठा लाया इतनी बड़ी गाड़ी, और यहाँ पे रैंप पे आ चुकी इतनी भारी भरकम गाड़ी, देखते चल पाती कि नहीं। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 जा रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत कोशिश किया हल्क ने, और यहाँ पे जंप लगा दी एकदम मस्त वाली जंप, लेकिन क्या ये पहुँच पाएगा रैंप पे। ओ क्योंकि पहुँच गया जैसे तैसे, लेकिन यहाँ पे बर्फ पे इसके टायर काम आएंगे क्या? हाँ हाँ, इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े वाले टायर है, तो बैलेंस तो कर पा रहा है बर्फ़ को। लेकिन यार आगे रैंप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सीधा नीचे खाई है, अगर नीचे लैंड नहीं हुआ तो सीधा पानी में गिरेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे इसने इसको भी पार कर लिया। अरे इसके बड़े बड़े टायर इसकी मदद कर रहे हैं इस ट्रक की। अभी देखो आगे भी मेरे ख्याल से पार कर देगा। हाँ भाई सिंचन, आगे भी तो इसने यार मस्त पार कर दिया, और यहाँ पे जंप लगा दी एकदम मस्त वाली जंप, लेकिन ये तो जंप अच्छी हुई नहीं, और ये सीधा पानी में। और यहाँ पे देख सकते हैं गटर के पानी में आ गया गोल्डन हल्क। यार गोल्डन हल्क क्या करता है तू भी, और ये तो लगता है ट्रक के अंदर ही फंस गया। अबे भाई साहब, कहाँ तू इतनी बड़ी ट्रक लेके आया था, अब तो तू पानी से निकल भी नहीं पाएगा। अबे जल्दी निकल, वरना वहीं पे डूब के मर जाएगा। अरे फ्रैंकली भाई, लगता है ये गोल्डन हल्क तो चैलेंज के साथ साथ दुनिया से भी एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे रैम चैलेंज में आगे बढ़ते हुए आ चुके हमारे पास रिवेंजर हल्क, मतलब यार सींग वाले हल्क। और भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हल्क है, क्योंकि ये हमेशा गुस्से में ही रहता है, किसी को भी मार के उसकी नानी याद दिला सकता है। लेकिन ये कौन सी वाली गाड़ी लेने वाला है? अच्छा मेरे को लगता है टैंक लेगा। ओके गाइस, यहाँ पे इसने टैंक ले लिया, मॉडर्न वाली टैंक, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त टैंक होती है, क्योंकि इसके ऊपर भाई साहब मस्त वाली बंदूक है जो कि बहुत पावरफुल होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं टैंक को लेके आ चुका है, और ये क्या, इधर रैम को पूरी वाट लगा दिया भाई साहब। अरे फ्रेंकली भाई, इस वाले हल्क को तो यार जरा भी कदर नहीं है किसी भी चीज की। और यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्पीड में जा रहा है, लेकिन ये क्या, इसकी गाड़ी तो बहुत डगमगा रही है, ये यार कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं। अबे मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा यार, भाई साहब ये कैसे चला रहा है गाड़ी को। और यहाँ पे देख, इसने जंप लगा दिए। ओ भाई साहब, यहाँ पे इसने गुलाटी मार के जंप लगाई है। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल रहा है यार चैलेंज को, ये देख। अरे हाँ हाँ, ये तो टैंक को उल्टा फुल्टा करके जा रहा है, और यहाँ पे आगे बढ़ रहा है रैंप पे, और यहाँ पे इसकी टैंक गिर गई, लेकिन इसकी टैंक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बर्फ से। अबे सिंचन, फर्क तो अब आगे पड़ेगा जब यहाँ पे से इसकी टैंक उड़ेगी, और यहाँ पे से इसकी टैंक उड़ी और काफी ज्यादा मस्त उड़ी है। तो यहाँ पे भी इसने लैंड करके आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है चैलेंज में, और मेरे को लगता है ये चैलेंज को पार कर देगा, क्योंकि इसकी टैंक काफी ज्यादा मस्त चल रही है। अरे हाँ हाँ फ्रेंकली भाई, और ये देखो नीचे पटाखे फूट रहे हैं, लगता है चैलेंज जीतने वाला है इसलिए।
अबे नहीं नहीं यार, वो पिछले बार के हल की जो गाड़ी थी ना, वही गाड़ी नीचे पड़ी, उसी के पटाखे फूट रहे हैं। जिसके भी फूट रहे हो, यहाँ पे बस अभी जंप करने वाला है और जंप करते ही जीत जाएगा। और ये देखो, यहाँ पे इसने जंप कर दिया और चैलेंज को पार कर दिया। अबे हाँ सिंचन, यहाँ पे इस वाले हल्क ने तो भाई साहब चैलेंज को पार कर दिया। ओ माय गॉड, यहाँ पे ये वाला हल्क तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा निकला है, चैलेंज को क्या मस्त पार किया। और यहाँ पे ये तो जाके भाई साहब हेलीकॉप्टर को ही ठोक दिया। यार ये बहुत ही ज्यादा बदमाश हल्क है, बदमाश तो है। और यहाँ पे देख सकते हैं, आज का चैलेंज जीत चुका है हमारा ये सींग वाला हल्क। और इसे मिलते हैं यहाँ पे रखे हुए इतने सारे पैसे, कैश में, सोने में। और यहाँ पे इन तीनों की इज्जत भी मिलेगी, स्पीकर मैन, टीवी मैन के, और साथ में गॉड टाइटन की भाई साहब पावर्स भी। अरे फ्रेंकली भाई, इसने तो कर दिखाया, पर अब जल्दी यहाँ से निकले यार, ये चूचू चाल से हमें कब से घूर रहा है, मेरे को डर लगता है ये चूचू चाल से। अबे हाँ सिंचन, चूचू चाल से तो मेरे को भी डर लगता है, फटाफट यहाँ से निकलते। गाइज अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। लेट्स गो, मैं तो चला भाई साहब फिर से घर पे सोने।